जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हमें मिला था प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो हमें ना प्रोजेक्ट पे मिलते हैं। जब हमने डिग्री कंप्लीट हमारी होने वाली होती है ना, डिग्री के एंड में हमें वो भी मिलते हैं प्रोजेक्ट, तो वो हमने यूनिवर्सिटी को बना के देने होते हैं लाजमी। तो मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमने बाइक वगैरह परचेज की, कैसे हमने उसको बनाया। बस आपने वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जी, यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हमें मिला प्रोजेक्ट। उन्होंने हमें सिर्फ ये कह दिया कि आपने ना हमें ना इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बना के दिखानी है। वो आपकी सरदर्दी है किस तरह आप लोग बनाते हैं, किस तरह उसको चलाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आप मैनेज करते हैं। बस आपने हमें बगैर पैडल के इलेक्ट्रिक तरीके से आपने चला के हमें दिखानी है बाइक। बस फिर हाँ, क्या था, हमने बाइक परचेज की। सिंपल बाइक जो होती है, चेन वाली बाइक, चेन गरारी वाली, वो हमने परचेज की। फिर उसके ऊपर हमने थोड़ा सा खर्चा वर्चा किया कि भाई उस पर ना हमने लगाई हब मोटर। जैसे बाइक पे आपने देखा होगा, बाइक पे हब लगा हुआ होता है ना, वैसे ही हब मोटर लगाई। फिर उस पर हमने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो हमने ना उसके सीट के आगे जो बॉक्स, जो गैप बना होता ना, वहाँ हमने बॉक्स फिट किया। बॉक्स के अंदर ही हमने बैटरी फिक्स कर दी। बैटरी फिक्स की, उसके बाद फिर हमने उसको लिंक कर दिया कि भाई वो बैटरी चार्जेबल थी उसको। फिर इस तरह का सीन हुआ कि जैसे ही हम पैडल मारते थे, पैडल से भी बाइक चलती थी और चार्जेबल भी थी। हैंडल के साथ हमने एक रेड कलर का छोटा सा बटन भी एडजस्ट किया था। वो इस तरह था कि फर्स्ट पैडल मार के आपने बटन को ऑन कर देना और एक्सेलेटर के साथ लिंक किया हुआ था। एक्सेलेटर को आपने जैसे हल्की सी रेस देंगे, बाइक घूम तेजी से आगे जाती थी। ये आप देखें, अभी मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ, वो आपने वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा खुद। टोटल इस पे हमारी कॉस्ट आई थी, आपने वीडियो देखी है हमारी, इस पे कॉस्ट आई थी। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, पता नहीं कितनी कॉस्ट आई होगी। कॉस्ट भी मैं चले आपको बता देता हूँ, हमारी इस पे टोटल कॉस्ट आई थी 36,000 आई थी, जिसमें हमने बाइक भी परचेज की। हब मोटर का आपको बताया अभी मैंने स्टार्ट में, वो भी हमने बाई की। फिर बैटरी भी हमने बाई की। जो जो हमारा खर्चा आया, सारा मिला के हमारा आया 36,000। और मजे की बात यह, फिर उसके बाद वो गाहक भी आना शुरू हो गया हमारे पास ना खरीदने के लिए कि जी हमें ले दो। एक ने कहा 70,000 ले लो, कोई कह रहा 45,000 ले लो। हमारा क्या था, हमने बस प्रोजेक्ट बना के यूनिवर्सिटी वालों को ना सबमिट करवाना था, तो इसलिए मसला ये हुआ। हम ना उनको साइकिल को हम अपनी ना किसी को भी सेल नहीं कर सकते थे। तो सारी बात ये थी जो मैंने आज आपको बतानी थी अपने इस ब्लॉग में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी करके बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं आपका भाई हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।